संगरूर के दर्दनाक वैन हादसे में जहां चार बच्चों की मौत हो गई, वहीं आसपास के लोगों ने आठ बच्चों की जान बचा ली। बच्चों की जान बचाने वालों में एक 14 साल की बच्ची अमनदीप कौर भी थी, जिसने मासूमों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चार बच्चों को वैन से निकाला और उन्हें दूसरा जीवन दिया। अमनदीप कौर की इस बहादुरी को आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सलाम कर रहे हैं। संगरूर के गांव लोंगोवाल में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सबकी आंखें जहां एक तरफ नम दिखी तो वहीं उन्हीं आंखों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दिया। अमनदीप कौर, यह वो 14 साल की लड़की है जिसने बच्चों को उस वैन से बचाया जिसमें आग लगी हुई थी। आग की लपटों में लिपटी उस बस से अमनदीप कौर ने चार बच्चों की जान बचाई। बता दें कि अमनदीप कौर की इस बहादुरी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सलाम किया है। और वहीं अमनदीप ने अपनी आंखों देखा वो खौफनाक मंजर किस तरह बयान किया वो भी आपको सुना देते हैं। असि जब स्कूल च चलन लगे सी, मैं सारे कहा सर स्मैल आ रही है, किसी ने कोई गल नहीं सुनी, थोड़ी जी अगे गए आवाज ज्यादा आने लग गई बहन की, इको दम जब ज्यादा आवाज आने लग गई, सर देख लग गए भी तुम बैठे रहो मैं देखदा गड्डी खराब होगी। और सर देखते देखते ज्यादा अग लग गई, फिर असं मैं सर क्या, मैं सर सर ने भी कोई गल सुनी, सर उधर जे अगे बच्चे बैठे से उन्होंने देख लग गए, मैं शीशा भन के जल्दी जल्दी थोड़ा जि शीशा भन गया, वो मैप निकली, फिर चार बच्चों मैंने क्ढ़िया, फिर ज्यादा अग हो गई, बाकियों का नहीं पता लगे। जाहिर है कि इस दर्दनाक और खौफनाक मंजर को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, पर अमनदीप कौर की बहादुरी के चलते जिन बच्चों की जान बचाई उसकी इस बहादुरी को लेकर हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है और माँ बाप को भी अपनी बच्ची की इस बहादुरी पर आज गर्व महसूस हो रहा है। इस चीज का सानू भी माण बहुत है जी, नकल कुड़िया धियां पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी चाहिए जी। वैसे ड्राइवर की भी बहुत गलती है, जो तो कुड़ी ने दसता बस स्मैल आँदी भी ये खड़ाक आ गया, गड्डी देखनी चाहिए सी, प्रिंसीपल भी देखना चाहिए सी अपने आप, फिर उन्होंने गौर नहीं करी, गौर करके काम खराब हो गया। सो आग की इन लपटों से चार बच्चों को ना बचाया जा सका, इस हादसे में चार बच्चों की जान चली गई। तो वहीं अमनदीप कौर जब अपनी दास्तां बताती हैं तो ड्राइवर की लापरवाही साफ साबित हो जाती है। खैर, लापरवाही किसी की भी हो, पर इन घरों के जो चिराग बुझ चुके हैं, जो बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। बिना शक प्रशासन को इस हादसे से सीख लेने की जरूरत है। संगरूर से कीर्तिपाल, जी मीडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।